आज हम बनाते हैं बैगन के पकोड़े, वो भी स्टफ करके। और बिलीव मी, आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बनाते हैं स्टफिंग। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। ऑयल डालने के बाद गार्लिक, जो मैंने पहले ही काट कर रखा हुआ था, इसको सॉटे करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये स्पिनिच हमने बेबी स्पिनिच ली थी, तो इसके अंदर डाल देंगे। चॉप चिली, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट, स्वाद अनुसार जितना आप लगे कि आपको चाहिए उसमें उतना आप इसमें सॉल्ट डालें। पालक और गार्लिक हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको आप मिक्स करेंगे। ये पालक भुन गई है, अब हम इसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। और गैस करते हैं बंद। ये हमने स्टफिंग इसमें बैगन के लिए तैयार कर लिए, और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है, आपने देखा, इसमें तेल डाला, उसके बाद गार्लिक डाला, उसके बाद हमने थोड़े से मसाले डाले। मसाले डालने के बाद इसमें स्पिनिच डाला और हम इसको अब हम भून रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद हम काटेंगे बैगन और उसको स्टफ करेंगे। सो आपको इसको यहाँ तक, उसके बाद ये पूरा यहाँ से निकालना है। सो 75% एंड देन 100%। सो अगेन आपको काटना है ये 75% एंड 100%। सो ये हमने बेसन लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 ग्राम। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिलाएं कलर के लिए। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट। स्वाद अनुसार चिली और हल्की सी इसमें हींग डालें। इसको मिक्स कर लें। सो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करें।
सिर्फ इतना पानी डालें कि ये मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके अंदर दाने ना पड़े तो आपको इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। दाने देखिए सारे खत्म हो गए और ये स्मूथ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें, मेक श्योर इतना ही पानी बना लेना जिससे आप जो बैगन है उसमें मसाला, ये बैटर जो है वो उसके ऊपर आ सके। सो ये हमारा डन हो गया। अब हम इसकी जो स्टफिंग है उसको बनाएंगे। सो ये जो हमने पालक जो भून के रखी थी, अब इसके अंदर हम चीज़ मिलाएंगे, थोड़ा जो चीज़ी फ्लेवर आएगा इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बैगन काटे। और उसके बाद हम इसको बैगन के अंदर स्टफ करेंगे। सो बैगन का जो पीस हमने काटा था इसको ऐसे रख लीजिए और स्टफिंग को इसके बीच में फैला दीजिए, ऐसे फैला के और इसको ऐसे बंद कर देना है। तो आपको सबको ऐसे ही इसके बीच में डालना है और इसको ऐसे बंद कर देना है। ऐसे ही सारे आप इसको भर लीजिए और भरने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सो आइए अब स्टफ बैगन के पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके आप इसमें तो ये हम बैगन के स्टफ बैगन के पकोड़े इसको फुल फ्राई कर रहे हैं, तेज आंच करके इसको आपको फुल फ्राई करना। और उसके बाद आप अपने घर में बनाइए इसको, अपने दोस्तों को खिलाइए, अपनी फैमिली में खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और हम मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे बताएंगे कि आपको मुझे मेरी रेसिपी कैसी लगी, उसी हिसाब से फिर मैं और रेसिपी आपके लिए बनाऊंगा।